Welcome to SSC CGL 2017 aspirants. हमारा चैनल SSC कराकर में आप सभी का स्वागत है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जो है उसको दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टायर टू स्पेशल इंग्लिश क्लास मैं करने वाला हूँ आपके लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा वो टायर टू। मैं खुद नोट बनाया हूँ, बहुत मेहनत करके 2-3 महीने से नोट बनाया हूँ, तो उसका भी मैं करूँगा टायर वन होने के बाद। और टायर वन तक मैं एक एक चैप्टर अभी मैं जो SSC CGL में जो जितना भी सुपर फ्लो स्टेटमेंट आता है उसका एक वीडियो में डाल चुका हूँ, वो देख लीजिए आप जाके प्ले लिस्ट में। सुपर फ्लो स्टेटमेंट 101 टायर टू में आपका 2 क्वेश्चन, टायर वन का 1 क्वेश्चन आता है। सुपर फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है आपको पता है, इतना इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर, आप देख सकते हैं। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का। एक सेकेंड, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपको। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक का है, प्लानिंग का है, जो फिफ्थ ईयर फाइव ईयर प्लानिंग। मैं आपको बताता चलूँगा कुछ कब फाइव ईयर प्लानिंग स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, ओके, इनका हेड कौन है, मैं सब बता के चलूँगा आपको। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलेंगे तो आप लिखें, इसका ऑप्शन 1 का जाएगा सी एडम स्मिथ, एंड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलेंगे तो कार्ल मार्क्स। ओके, तो हु इज द कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ऑप्शन सी जाएगा इसका, एडम स्मिथ, क्वेश्चन नंबर 1, एडम स्मिथ। नेक्स्ट, इंडिया हैज सोशलिस्टिक इकोनॉमी, गांधीयन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। हमारा जो इंडिया है वो क्या है, हमारा ये हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, ऑप्शन 2 का जो सर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी, इंडिया हैज मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारा इकोनॉमी कितना है ये भी याद रखिए, आपका प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या क्या जाता है, जैसे एग्रीकल्चर जाता है, फॉरेस्ट जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में आप लिख लीजिए क्या जाता है, जैसे आपका इंडस्ट्री जाता है, बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जाता है, इसको बोलते हैं आप सेकेंडरी, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर, सॉरी जज। इंडिया अडोप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन, जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया का, जो मैं बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, कब अडोप्ट किया गया था, वो का अडोप्ट किया गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में। इतना याद रखिए, जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया का वो अडोप्ट किया गया था इंडस्ट्री पॉलिसी के थ्रू 1948 में। ऑप्शन सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स क्या होता है, हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कोएग्जिस्टेंस ऑफ द रिच एंड द पुअर, कोएग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। मैं अभी बोला प्राइमरी सेक्टर होता है एंड सेकेंडरी सेक्टर होता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, तो इसको ये हमारा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो हमारा प्लान्ड इकोनॉमी है इंडिया का बुक है वो कौन लिखा था, वो आपके लिखे थे, ये सबको पता है, पटेल लिखे थे। प्लान्ड इकोनॉमी आप ऐसे याद रख सकते हैं, विश्वराय पटेल, बट आप ऐसे याद रखते हैं जितना जो हमारा प्लान्ड इकोनॉमी है, प्लान्ड इकोनॉमी पटेल, प्लान्ड पटेल, ऐसे याद रखेंगे तो आपका याद रह जाएगा। हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी, हमारा एम विश्वेश्वराय पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटम इन, जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC होता है, कभी कभी आपको NDC बोल देगा, फुल फॉर्म उसको पूछ लेगा इसका, एंड एब्रीवेशन पूछ लेगा, तो इसका एब्रीवेशन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC का एब्रीवेशन होगा आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एंड NDC क्या कब सेटअप हुआ था, ये हमारा सेटअप हुआ था याद रखिए 1952 में, एंड 1951 में, 1948 में हमारा क्या हुआ था, अभी मैं बोला क्वेश्चन नंबर 6 का बात कर रहा हूँ, ऑप्शन ए में जो 1948 वो हमारा इंडियन मिक्स्ड इकोनॉमी सेटअप हुआ था। 1951 में हमारा फिफ्थ ईयर फाइव ईयर प्लान जो शुरू हुआ,
पहला फाइव ईयर फ्रॉम द 1951 से 1956 तक। ओके, तो पहला 1951 में हमारा फाइव ईयर प्लान स्टार्ट हुआ। 1952 में हमारा क्या हुआ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। बहुत ज़रूरत क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब शुरू हुआ था, वो हमारा हुआ था 1952 में। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट, जो इकोनॉमिकल प्लानिंग है, जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग है एक सब्जेक्ट है। ये हमारा जो कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, यूनियन लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है, ये हमारा पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स में जब डिस्कशन करेंगे तब हम देखेंगे यूनियन लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है एंड कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। बट अभी याद रखें, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो हमारा जाता है कंकरेंट लिस्ट में एंड कंकरेंट लिस्ट में। और एजुकेशन जो है हमारा, राइट टू एजुकेशन जो हमारा आर्टिकल 21A में आता है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में जो आता है वो भी हमारा कंकरेंट लिस्ट में जाता है। ओके, तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारा है कंकरेंट लिस्ट, ये याद रखिए। नीति आयोग क्या होता है, नीति आयोग होता है जो पहले हमारा था प्लानिंग कमीशन, वो 2005 के बाद उसका हम कर लिए नीति आयोग। पहले था प्लानिंग, बट प्लानिंग कमीशन जो है नीति आयोग सेम है, बट हमारा प्लानिंग कमीशन था पहले एंड 2005 के बाद वो हम चेंज करके उसका नाम नीति आयोग रख दिए। बट एंड नीति आयोग का अभी क्वेश्चन आएगा पॉलिटिक्स में। नीति आयोग का जो हमारा हेड है, ओके, वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, पीएम। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन अभी है हमारा फाइव, नीति आयोग इज प्लानिंग ए न्यू फ्रेमवर्क फॉर, जो नीति आयोग होता है वो होता है आपका, एंड स्पेशली नीति आयोग होता है आपका क्या, जो एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फार्मर सेक्टर के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है लोन, उसको वहाँ पे नीति आयोग वहाँ पे काम देता है एंड नीति आयोग होता है। इसका आंसर हमारा आएगा फाइव ईयर प्लान। नीति आयोग इज प्लानिंग ए न्यू फ्रेमवर्क फॉर फाइव ईयर प्लान, इतना याद रखिए। एंड फाइव ईयर प्लान को नीति आयोग हेड करता है। प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम, जो प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रीमेबल। इसका आंसर आपका जाएगा, सॉरी हाँ, प्लानिंग, क्वेश्चन नंबर 9। प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम, जो हमारा प्लानिंग इन इंडिया है वो जो कहाँ से डिराइव किया गया है, प्लानिंग इंडिया वो हमारा डिराइव किया गया है, इसका आंसर जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको याद है हम कहाँ से लाए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम आयरलैंड से लाए थे। एंड कंकरेंट लिस्ट जो मैं बोला आपको, जहाँ पे आपका एजुकेशन इकोनॉमिक प्लानिंग है कंकरेंट लिस्ट, वो हम लाए थे ऑस्ट्रेलिया से, इतना याद रखिए अभी। ओके, प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम, एंड प्लानिंग इंडिया जो हमारा डिराइव्स हुआ था वो हुआ था हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है आपको पता है, इकोनॉमिक सर्वे न्यूज़पेपर भी आता है, इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वो हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो करते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक सर्वे करते हैं। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको पता है इकोनॉमिक रिलेटेड करता है फाइनेंस से, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करेगा, तो यही से भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन ए, दादाभाई नौरोजी थियोराइज्ड ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन हिज बुक। देखिए, जो हमारा ड्रेन थ्योरी है, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है ड्रेन थ्योरी, ये कौन लिखा था, ये लिखा था आपका दादाभाई नौरोजी। एंड दादाभाई नौरोजी के ऊपर बहुत सारा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे हमारे ओल्ड ओमैन बोलते हैं, किसको इंडियन ओल्ड ओमैन बोलते हैं, दादाभाई नौरोजी को। एंड फर्स्ट इंडियन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट पे आपका गए थे वो भी थे आपके दादाभाई नौरोजी, ये सब हिस्ट्री लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो दादाभाई नौरोजी थियोराइज्ड ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन दिस बुक, जो ड्रेन थ्योरी है वो दादाभाई नौरोजी का, कौन सा थियोराइज्ड, कौन सा बुक में वो लिखा हुआ है, वो हमारा है आंसर पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इतना याद रखिए, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, 11 ऑप्शन सी जाएगा। दादाभाई नौरोजी का जो ड्रेन थ्योरी है वो हमारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के ऊपर लिखा हुआ है। नीति आयोग इज सेट टू ब्रिंग मॉडल एक्ट, अभी मैं बोला आपका इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर
फार्म एग्रीकल्चर मार्केट नीति आयोग नहीं लेता है, वो लेता है फार्म लैंड लीजिंग जैसे होता है। नीति आयोग इज सेट टू ब्रिंग मॉडल एक्ट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, में आपको बोला एग्रीकल्चर मार्केट नहीं होता, एग्रीकल्चर होता है जो करने के लिए, उसके लिए नीति आयोग लोन देता है इससे, सॉरी नो लोन नहीं देता, उसके ऊपर काम करता है। एग्रीकल्चर तो नोट देता है आपका नाबार्ड, इतना देखिए एग्रीकल्चर। फार्मिंग का अगर बैंक पूछेगा, फार्मिंग बैंक जो लोन देता है एग्रीकल्चर के लिए वो होता है नाबार्ड। बट इसका आंसर यहाँ पे आएगा नीति आयोग इज सेट टू ब्रिंग मॉडल एक्ट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, होता है फार्म लैंडिंग, फार्म जो होता है फार्म लैंड होता है लीजिंग, जो फार्म लैंड को लीज करने के लिए नीति आयोग सेट करा किया गया था। नीति आयोग कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम, जब नीति आयोग कब आया था, कब वो शुरू हुआ था, जब नीति आयोग तो मैं आपको बोला था अभी नीति आयोग कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम, अभी मैं बोला था नीति आयोग कब हुआ था, 1 जनवरी 2015, सॉरी मैं 5 बोल दिया था, सॉरी 1 जनवरी 2015 में आया था वो, पहले प्लानिंग कमीशन था, 2015 में वो हो गया नीति आयोग। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसके साथ कंसर्न करता है, वो बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल डिसीजन मेकर्स, ये पूरा गलत है, इससे कुछ कोई भी मतलब नहीं रहता माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस, जो होता है ये हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड सर्विस करता है, एंड सॉरी बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल डिसीजन भी करता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता। बट इसका आंसर 14 का डी जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारा वो हमारा बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल डिसीजन मेकर्स करता है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड गुड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी रोल नहीं है। चेंजेस इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, इसका भी कुछ भी चेंज नहीं है, जो प्राइसेस चेंज होता है वो सब आरबीआई सीआरआर होता है, सीएलआर जो मॉनिटरी पॉलिसी होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन स्टैगफ्लेशन ये सब हम पढ़ेंगे क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए कंसर्न्ड विथ, अभी तो हम इंडियन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल डिसीजन मेकर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड सर्विस, जो प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस होता है, जैसे आपका बोलता है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, जीडीपी डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस का प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक्स में अंदर होता है, बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल डिसीजन मेकर भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, तो इसका ऑप्शन डी जाएगा। ओके, अगर इसका ऑप्शन आपको और कुछ दूसरा लग रहा है तो मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में, लेकिन मैं श्योर हूँ इसका ऑप्शन डी ही जाएगा। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वॉज मेड बाई, जो पहले जो इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया जो किसके अटेम्प्ट में हुआ था, वो हुआ था आपका आंसर एम विश्वेश्वराय, इतना याद रखिए विश्वेश्वराय इसका नाम है, एम विश्वेश्वराय, जो इकोनॉमिक प्लानिंग मेड बाय फर्स्ट इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग जो होता है वो होता है आपका विश्वेश्वराय, ऑप्शन सी जाएगा 15 का। इन हुईच प्लान वॉज द ग्रोथ रेट ऑफ, इन हुईच फिफ्थ ईयर प्लान वॉज द ग्रोथ रेट टारगेट एक्सीडेड, आपको मैं बता देता हूँ फिफ्थ ईयर प्लान आपको पूरा आपको 12th प्लान तक आपको याद रखना होगा, जैसे फर्स्ट आपका हुआ था 1951 से 1956 में हुआ था, सेकंड हुआ था 1956 से 1961, एंड सेकंड थर्ड हुआ था 1963 से 1968, ऐसे हुआ था आपको इस सब आपको याद रखना होगा। तो इन व्हिच प्लान वाज द ग्रोथ रेट टारगेट एक्सीडेड, जो हमारा ग्रोथ रेट है वो एक्सीड करेगा किस फिफ्थ ईयर प्लान में, वो आपको दिया गया है, जो हम सपोज इसका मीनिंग क्या है, सपोज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा सपोज यहाँ पे अभी हमारा ग्रोथ रेट है 4.5%, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फाइव ईयर प्लान में वो होके बढ़ के सपोज हो जाएगा 9 point something, ग्रोथ रेट हमारा बढ़ेगा, एक्सपेक्ट कर रहे थे वो किस फाइव ईयर प्लान में हम कर रहे थे वो, हम हमारा ग्रोथ जो था वो हमारा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, इतना याद रखिए जो हमारा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था 1951 से 56 तक, हम सोच रहे थे एक्सपेक्ट कर रहे थे जो हमारा ग्रोथ रेट टारगेट हमारा एक्सीड जरूर करेगा। ओके, तो चलिए पुट इन द क्रोनिकल ऑर्डर इन फॉलोइंग स्पेसिफिकल फीचर्स ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट फाइव ईयर प्लान एज दे वेयर फर्स्ट फॉर्मुलेटेड, देखिए पुट इन क्रोनिकल ऑर्डर, पहले वो बोल रहा है पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या होता, उसके बाद क्या होता, उसके बाद क्या होता, ऐसे घटते जाएगा। तो पहले हम देखिए, पहले इसका ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ आपको 70, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 1 2 3 4 2 1 3 4 1 3 2 4 3 4 1 1 3 2 4, एंड इसको हम देखते हैं इसका, अच्छा देखिए
Put the conical out in the following special features, objectives of India 5-year plan as they were first formulated. तो पहले हमारा formulate plan हुआ था, देखिए पहले हमारा हुआ था Mahalanobis strategy. Mahalanobis strategy हुआ था फर्स्ट 5-year plan में, ये add हुआ था आपका strategy. उसके बाद आपका removal of poverty. Removal of poverty किस 5-year किस में हुआ था, वो होता फिफ्थ 5-year plan में. ओके, removal of poverty बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद जरूर रखिए, रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, देन उसके बाद हुआ था आपका मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन हुआ था. उसके बाद लास्ट में आपका हुआ था एम्फेसाइज ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एम्फेसाइज ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो इसका करेक्ट होगा ऑर्डर आएगा 1, 3, 2, 4. इसका ऑप्शन आपका सी जाएगा. मैं पहले दोबारा इसको बता देता हूँ. पहले हमारा हुआ था पुट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोला था, पहले हमका हुआ था महालोनोबिस स्ट्रैटेजी, उसके बाद आया क्या रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी, इसके बाद आया मॉडर्नाइजेशन, लास्ट में आपका आपका आया था जो हमारा एम्फेसाइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप जो फिफ्थ ईयर 5-year प्लान है वो आप रट के जाइए. ओके, इसी से क्वेश्चन बहुत आता है, 5-year प्लान है, हर साल आता है. अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए मैं वीडियो आपको भी बना के दे सकता हूँ. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. In India, the concept of minimum needs and directed anti-poverty programs were the innovation of. देखिए जो हमारा minimum needs है and directed anti-poverty programs, तो minimum needs and directed anti-poverty program were the innovation of. किस 5-year plan में हमारा minimum needs हुआ था and directed anti-poverty program हुआ था, वो हुआ था हमारा. देखिए मैं पहली बार बोलता हूँ, वो हुआ था फिफ्थ 5-year plan में. एंड अभी मैं बोला था प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आएगा तो जब भी आपका प्रॉपर्टी ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टी, तो फिफ्थ ईयर मार के चला के चला जाइए. मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको ये बोला था राइट टू प्रॉपर्टी. देखिए रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी आया था फिफ्थ ईयर प्लान. सिमिलर इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम नीड्स एंड डायरेक्टेड एंटी प्रॉपर्टी प्रोग्राम्स वे आर द इनोवेशन ऑफ फिफ्थ 5-year प्लान. ओके, एंड आपको बताना है कमेंट सेक्शन में फिफ्थ 5-year प्लान कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The strategy of rolling plan was adopted during the prime ministership. जो हमारा rolling plan strategy है, rolling plan strategy है, वो adopted किस prime minister थे, तब वो rolling plan हमारा adopt किया गया था, वो adopt किया गया था हमारा prime minister मोरार्ज देसाई जो थे, मोरार्ज देसाई first prime minister है हमारा, sorry जो prime minister है हमारा मोरार्ज देसाई, उनके समय पे rolling plan वो अडॉप्ट किया गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए. द सेकेंड 5-year प्लान लेड मोर स्टेशन अपन. देखो जो सेकेंड ईयर याद रखिए, जब सेकेंड 5-year प्लान आएगा तो गारंटी इसके साथ होगा आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसको याद रखिए, सेकेंड 5-year प्लान मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने के लिए सेकेंड 5-year प्लान इसको किया गया था, तो हमारा आंसर है इंडस्ट्रियलाइजेशन. नेक्स्ट द स्टील प्लांट ऑफ दुर्गापुर. आपको हाँ एक बात और बता देता हूँ, आपको जो स्टील प्लांट है इसको भी याद रखना है कहाँ पे है. दुर्गापुर में है, भिलाई में है, राउरकेला में है एंड विशाखापट्टनम में है, जितना भी आपका रायपुर छत्तीसगढ़ एंड छत्तीसगढ़ में. तो हमारा दुर्गापुर है कलकत्ता, बिहार में है, राउरकेला में है, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, ये आपको पता है, इतना याद रखे. क्वेश्चन भी कहीं SSC CGL 2016 में आया था. राउरकेला स्टील प्लांट वो कहाँ पे है, वो हमारा उड़ीसा में है. तो इसका आंसर द स्टील प्लांट ऑफ दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला आर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ. जो हमारा स्टील प्लांट हुआ था वो कौन सा फिफ्थ 5-year प्लान में हुआ था, वो हमारा हुआ था आंसर सेकेंड 5-year प्लान. अभी मैं बताया जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगा तब सेकेंड 5-year प्लान सब टिक करके चला आइए. तो द स्टील प्लांट्स ऑफ दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला हुआ एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेकेंड 5-year प्लान, क्योंकि ये सब इंडस्ट्री है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लास्ट है हमारा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय 5-year प्लान्स इन इंडिया. ओके, जो हमारे व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड फॉर 5-year प्लान इन इंडिया. करेक्ट स्ट्रैटेजी हम बताएंगे 22 आंसर. इसका आंसर आएगा आपका 2, 3, 1. ऑप्शन सी इसका जाएगा. पहला आया रिहैबिलिटेशन ऑफ द इकोनॉमी, उसके बाद आपका आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद आएगा बैलेंस ऑफ ग्रोथ. क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपका आया था सेकेंड 5-year प्लान में, एंड जो हमारा आया रिहैबिलिटेशन ऑफ द इकोनॉमी, मैं बोला था इकोनॉमी आया मीन्स फर्स्ट 5-year प्लान्स.
इनिशियल इकोनॉमी रिहेबिलेशन एक फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में जो हुआ था 1951 से 56 एंड इंडस्ट्री जो हुआ था सेकेंड फाइव ईयर प्लान वो होता 1956 से 1961। ओके देन थर्ड में आया था आपका बैलेंस्ड ग्रोथ हुआ था 1961 से 1966 फाइव ईयर प्लान में थर्ड फाइव ईयर प्लान में। तो ये हमारा था 22 क्वेश्चन। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर कमेंट आएगा तो लाइक आएगा तो कमेंट आएगा तो ठीक है, मैं चलूँगा नेक्स्ट इकोनॉमिक लेक्चर। लेकिन अभी जो 22 क्वेश्चन है जो इंडियन इकोनॉमिक का है आपको मैं बता देता हूँ, इसी से ही क्वेश्चन आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ करना है, जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान है जितना भी लास्ट फाइव ईयर प्लान कौन सा है, इलेवेंथ प्लान में क्या हुआ था, टेंथ फाइव ईयर प्लान में किससे हुआ था, मैं अब तो बता दिया, कुछ फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया, फोर्थ नहीं फिफ्थ बता दिया, तो ये सब प्लान में बता दिया। बट आपको उसका ईयर याद रखना है, कौन सा फाइव ईयर प्लान में क्या क्या हुआ था वो भी याद रखना है। तो चलिए आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं मैं वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक मी, सब्सक्राइब मी। ओके थैंक यू।